हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज कॉन्सेप्ट क्लियर सेंटर, वेयर ऑल कॉन्सेप्ट्स आर क्रिस्टल क्लियर। सो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं वेयर हाउस सुपरवाइजर होता क्या है, हम इसका मीनिंग, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एक अच्छा वेयर हाउस सुपरवाइजर बनने के लिए, वो भी डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फीस सबमिट कर दें, जो कि वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके अलावा अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे इस टॉपिक का नाम कॉमेंट में बता सकते हैं, मैं इसके ऊपर वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। वेयरहाउस सुपरवाइजर मीनिंग, वेयरहाउस सुपरवाइजर एक प्रोफेशनल होता है, एक काम करने वाला होता है जो कि जिम्मेदार होता है किसके लिए, जो भी हमारे वेयरहाउस के अंदर काम हो रहा होता है और जो काम करने वाले लोग होते हैं वेयरहाउस के अंदर, उनकी जिम्मेदारी एक वेयरहाउस सुपरवाइजर के ऊपर होती है। जो वेयरहाउस सुपरवाइजर होता है वो हैंडल करता है, रिकॉर्ड करता है और मेंटेन करता है इन्वेंट्री को, एडवाइस करता है इम्पोर्ट्स रिसीव एंड आइटम एक्सपोर्ट, मीन्स जो भी सामान हमारा वेयरहाउस के अंदर आता है और जो भी सामान हमारा वेयरहाउस से बाहर जाता है उससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके ऊपर एडवाइस देता है वो, ओके। इसके अलावा जो नए वर्कर्स आते हैं हमारे वेयरहाउस में काम करने के लिए उनको ट्रेनिंग देता है ताकि जो नए वर्कर्स हैं उनकी एफिशिएंसी रहे, अगर वर्कर्स जो है अच्छे से काम करेंगे तो सुपरवाइजर का जो काम है वो आसान हो जाता है, ओके। नेक्स्ट आती है क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है एक अच्छे वेयरहाउस सुपरवाइजर में। जो वेयरहाउस सुपरवाइजर होता है उसको कस्टमर को सेटिस्फाई करना आना चाहिए। अब वो सेटिस्फाई कैसे चेक करेगा, जो भी आइटम्स आते हैं हमारे इस वेयरहाउस के अंदर वो उसको रिसीव करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, डिस्पैच करेगा और उसकी क्वालिटी है उसको एश्योर करेगा, ओके। वेयरहाउस के अंदर जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं वो जो वेयरहाउस के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनकी रिपोर्ट बनाना, ओके। जो भी इन्वेंट्री एंड स्टोरेज एरिया होता है उसको ऑर्गेनाइज करना एंड मेंटेन करना, जो भी शिपमेंट्स होते हैं उनको इंश्योर करना, इन्वेंट्री ट्रांजेक्शन होती है उसकी एक्यूरेसी बनाए रखना, डिटरमाइन करना स्टाफ लेवल्स, मीन्स जिसकी जैसी हैसियत है जो जिस पोस्ट पे उसको इस हिसाब से काम देना, वो जो भी डेली एक्टिविटीज होती हैं और जो भी टास्क होते हैं उनको असाइन करना, जो भी कस्टमर्स होते हैं उनसे इंटरफेस करना, उनको फेस करना, जो भी उनके क्वेश्चंस हैं उनका आंसर देना और जो भी कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना, जो भी आइटम्स आते हैं हमारे वेयरहाउस के अंदर उसका रिकॉर्ड बनाना, कोई जरूरी इन्फॉर्मेशन तो उसको लिखित में यानी उसको रिटन फॉर्म में राइट डाउन कर लेना, ओके। इन सब के अलावा रिपोर्ट्स जो होते हैं वो बनाना वेयरहाउस के स्टेटस से रिलेटेड, वेयरहाउस के अंदर किस जगह इम्प्रूवमेंट की जरूरत है उसको आइडेंटिफाई करना, वो जो नए नए आइडियाज होते हैं उनका यूज करना, जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके साथ तालमेल बनाए रखना ताकि जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो और हमारे काम में एफिशिएंसी बनी रहे। नेक्स्ट आती है क्या स्किल्स होनी चाहिए या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एक वेयरहाउस सुपरवाइजर में। फर्स्ट, आपको पता होना चाहिए वेयरहाउस सुपरवाइजर का क्या काम होता है या फिर आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए वेयरहाउस सुपरवाइजर की जॉब में। हाईली इफेक्टिव सुपरवाइजरी स्किल्स होनी चाहिए और टेक्निक्स होनी चाहिए। जो सुपरवाइजरी स्किल्स और टेक्निक्स होती हैं वो काफी हाई होनी चाहिए। आपको नॉलेज होनी चाहिए वेयरहाउस के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर यूज होता है और जो भी मशीन्स यूज होती हैं उनकी, जो डाटा होता है उसको एनालाइज करना आना चाहिए, जो भी काम आपको दिया है आपको उसे पूरा करना आना चाहिए, ओके। आपको खुद से ही वादा करना कि जो भी काम मुझे मिलेगा मैं उसको कम्प्लीट करूंगा और टाइम पे कम्प्लीट करूंगा। कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल्स होती हैं वो एक्सीलेंट होनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए यानी जिस टाइम पे जो काम करना है उस टाइम पे वही काम हो, ओके, और टाइम के अंदर में हो। इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, नहीं आई तो डिसलाइक करिएगा, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।